दोस्तों आज की वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक की प्राइस से ज्यादा उसकी मार्केट कैप इंपॉर्टेंट है, क्यों खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक्स भी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, 52 वीक लो स्टॉक्स को क्यों नहीं खरीदना चाहिए और ऐसी बहुत सारी बातें जो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि ये 16 रुपए वाला स्टॉक एक साल में 160 चला जाएगा तो शायद आप मेरी बात बहुत आसानी से मान लेंगे, लेकिन वहीं अगर मैं आपको कहूं कि ये 13,000 रुपए वाला स्टॉक है एक साल में 130,000 चला जाएगा तो आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा। बट एक्चुअल में उस 16 रुपए वाले स्टॉक के 160 जाने से ज्यादा चांसेस हैं इस 13,000 रुपए वाले स्टॉक के 130,000 जाने के। इसके पीछे रीजन ये है कि जो 16 रुपए वाला स्टॉक मैंने आपको दिखाया था उसकी मार्केट कैप 41,000 करोड़ है, तो उस शेयर को 160 जाने के लिए 4,10,000 करोड़ की कंपनी बनना होगा, मतलब जितनी बड़ी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उतना बड़ा बनना होगा। जबकि जो 13,000 रुपए वाला स्टॉक मैंने आपको दिखाया था उसकी मार्केट कैप सिर्फ 400 करोड़ है, तो उस शेयर को 130,000 जाने के लिए 4,000 करोड़ की कंपनी बनना होगा, जो कि कंपैरेटिवली इजी होगा। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक कंपनी सिर्फ 400 करोड़ की है और उसकी प्राइस 13,000 रुपए, जबकि दूसरी कंपनी 41,000 करोड़ की है और उसकी प्राइस सिर्फ 16 रुपए। तो इसके पीछे का आंसर है ये फॉर्मूला, मार्केट कैप इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर कोई 100 करोड़ की कंपनी है, यानी उसकी मार्केट कैप सिर्फ 100 करोड़ है और वो कंपनी सिर्फ 100 शेयर्स ही मार्केट में निकालती है, तो इस हिसाब से उसके एक शेयर की प्राइस होगी 1 करोड़ रुपीज। वहीं अगर वो 100 करोड़ की कंपनी 1 करोड़ शेयर्स निकालती है तो उसके एक शेयर की प्राइस होगी 100 रुपीज। तो शेयर की प्राइस कितनी होगी ये उसके नंबर ऑफ शेयर्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे TCS 12 लाख करोड़ की कंपनी है तो उसने अपने 366 करोड़ शेयर्स निकाल रखे हैं, इसलिए उसके एक शेयर की प्राइस नियरली 3200 रुपीज है। जबकि MRF 36,000 करोड़ की कंपनी है, यानी TCS से 33 टाइम्स छोटी कंपनी है, पर क्योंकि उसने अपने सिर्फ 42 लाख शेयर्स ही मार्केट में निकाल रखे हैं इसलिए उसके एक शेयर की प्राइस 86,000 रुपीज है। ऐसे ही आज के टाइम पर कुछ लोग ट्राइडेंट को पेनी स्टॉक समझते हैं क्योंकि उसकी प्राइस नियरली 40 रुपीज है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ट्राइडेंट की मार्केट कैप नियरली 20,000 करोड़ के आसपास है, यानी वो एक लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में आने वाली है। तो इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि शेयर की प्राइस से हम ये नहीं पता लगा सकते कि कंपनी कितनी छोटी है या बड़ी है, तो हमेशा कंपनी की मार्केट कैप देखें, प्राइस नहीं। दूसरा, कुछ लोगों को लगता है कि अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स खराब हैं तो वो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकता। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स खराब हैं, मान लो कंपनी पिछले 4 साल से लॉस में चल रही है, तब भी वो स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसका एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स, इस कंपनी को पिछले 4 साल से लगातार लॉस हो रहा है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 3 टाइम्स से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 60% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि फंडामेंटल्स हमें ये बताते हैं कि एक स्टॉक ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, जबकि जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम इस एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं कि वो स्टॉक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स अभी खराब हैं तो वो फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं, इसलिए खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक्स भी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसके बेटर रिटर्न्स देने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स खराब हैं। बट अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक है और अभी उसके फंडामेंटल्स खराब हैं लेकिन आपको लगता है कि वो स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक है तो उसमें खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक को अवॉइड करें, वही बेटर होगा। मैं पर्सनली कभी भी खराब फंडामेंटल वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन खराब फंडामेंटल वाले लार्ज कैप स्टॉक्स को मैं कंसीडर करता हूं अगर मुझे लगता है कि वो स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो। थर्ड, दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो हम भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसे कमा लेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। खराब से खराब स्टॉक से भी पैसा कमाया जा सकता है और अच्छे से अच्छे स्टॉक से भी पैसा डूब सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस स्टॉक को कब बाय कर रहे हैं। एग्जाम्पल, TCS एक बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपने इस स्टॉक में 1 साल पहले इन्वेस्ट करा होता तो आप 8% के लॉस में होते। जबकि पेटीएम के बारे में हर कोई कहता है कि इस स्टॉक ने बर्बाद कर दिया,
लॉस हो गया, फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपने पेटीएम में 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गया होता। तो अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक भी है और उसमें आपने गलत प्राइस में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको वहां से भी लॉस हो सकता है, जबकि खराब स्टॉक में भी आपने अच्छी प्राइस में इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई बड़ा इन्वेस्टर किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको देखकर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उन्होंने किस प्राइस में इन्वेस्ट किया है ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं होता हो, उनको भी लॉस होता है, लेकिन उन्होंने अपने रिस्क को मैनेज कर रखा है जिसकी वजह से वो लॉस उनके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है, कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब मैं इन्वेस्ट करूंगा और तभी मैं अमीर बन सकता हूं, बट ऐसा नहीं है। आप चाहें तो 500 रुपये महीना से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और इवन अगर आप 4000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। अब दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है, जो नए नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उन्हें लगता है कि हम किसी से पेड कॉल्स लेकर ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। पेड कॉल्स का मतलब है कि टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपको कहते हैं कि आप हमें 5000 रुपए से लेकर 10-20000 रुपए, कोई भी अमाउंट वो हो सकता है, आप हमको दो, फिर हम आपको बताएंगे कि शेयर कब बाय करना है और कब सेल करना है। और क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, हमारी एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा है, इसलिए आप एक दिन में ही अपनी फीस रिकवर कर लोगे। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री ट्रायल भी देते हैं, कुछ बोलते हैं कि अगर अर्न करोगे तो इतना परसेंट कमीशन हमें देना, ये सब कुछ आपको फंसाने के तरीके हैं। इवन ये सब इतना कॉमन हो गया है कि YouTube में अर्निंग प्रूफ वाले एड्स चल रहे हैं और मेरे जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के नाम से फेक Instagram और Telegram अकाउंट बन रखे हैं जिनमें हजारों फॉलोअर्स हैं और वो हमारे नाम का यूज करके भी आपको फंसाना चाहते हैं। तो अगर आपको कभी भी लगे कि आपको पेड कॉल्स लेनी चाहिए तो वहां पर बस आप एक बात सोचना कि अगर कोई इतना एक्सपर्ट है तो उसको कॉल्स देने की क्या जरूरत है, वो भी सिर्फ 5000 रुपए के लिए। अगर वो एक दिन में ही आपकी फीस रिकवर करवा सकता है तो वो खुद भी तो कमा सकता है ना। तो इसमें 99.99% फेक होते हैं, बट फिर भी अगर आपको कॉल्स लेनी है तो किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही लें, ऐसे ही किसी भी टेलीग्राम चैनल से ना लें। यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं या मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करता है और हमने आपसे डायरेक्टली कोई भी पैसे नहीं लिए हैं। पेड कॉल्स स्कैम के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है तो आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। दोस्तों सिक्स्थ है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर कोई स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से हाई पर ट्रेड कर रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। ऑल्दो कुछ स्टॉक्स के लिए बात सही है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है उनमें बुक वैल्यू के कोई खास मायने नहीं होते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो जो ऐसी कंपनीज है जिन्हें ज्यादा एसेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है तो उनमें बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल है टेक कंपनीज, आप सिर्फ एक कंप्यूटर की हेल्प से 100 करोड़ की कंपनी भी बना सकते हैं। अब इसमें जो आपकी एसेट है वो सिर्फ एक कंप्यूटर है जो कि शायद 1 या 2 लाख रुपए का होगा और आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आपकी बुक वैल्यू वही 1 या 2 लाख रुपए होगी। बट क्योंकि कंपनी 100 करोड़ की बन गई है तो यहां पे बुक वैल्यू हाई होगी, लेकिन जो बैंक स्टॉक्स होते हैं या फिर ऐसे स्टॉक्स जिन्हें ज्यादा एसेट्स की जरूरत पड़ती है वहां पर बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों जो 7th पॉइंट है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो Instagram और YouTube में ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो पेनी स्टॉक के नाम पर आपको कोई भी स्टॉक बता देते हैं, वो सिर्फ आपको रिटर्न दिखाते हैं कि XYZ स्टॉक ने पिछले 1 साल में आपका पैसा 100 गुना कर दिया है। तो उन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनका वॉल्यूम कम होने की वजह से आप उसे सेल ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका पैसा फंस सकता है। इसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है तो आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक लो पर है तो क्योंकि वो स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है इसलिए हमें सस्ता मिल रहा है तो इसे खरीद लेना चाहिए। और इसके अपोजिट में कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर है तो क्योंकि वो बहुत महंगा हो चुका है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट सिर्फ ये देखकर कि स्टॉक 52 वीक लो पर है या हाई पर है उसको बाय या सेल करने का डिसीजन लेना गलत है। हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो पर है तो क्यों है, हो सकता है कंपनी लॉस में जा रही हो,
तो फिर ऐसे केस में उसकी प्राइस और ज़्यादा गिर सकती है। और अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई पर है तो हमें देखना चाहिए कि उसकी प्राइस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उसके सपोर्ट पे कोई पॉलिसी बनाई हो या उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो इस केस में उस स्टॉक की प्राइस और ज़्यादा भी बढ़ सकती है, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्टॉक मार्केट में नए लोगों को बहुत लंबे टाइम तक पता ही नहीं होती हैं, जिन्हें आप चाहें तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करके बताना होगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।